ढाई तो है ना तू ली बना दे। अरे वर्मा सुना मेरी ढाई तो है ना तू ली बना दे। मुक्षी रोक मैं ना लगन जय देवभूमि उत्तराखंड में आपका साथी प्रदीप सिंह गैलाकुटी स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए ब्लॉग पर। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और आज घर में पूजा पाठ भी है, तो देखते हैं वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। कंगर देखो ये अम्मा भी उठ चुकी है, अभी काम हम करके आ चुके हैं पूरे अंदर जो भी है अंदर कोर्ट में। बकरी वकरी भी हमारे थोड़ा बुलाना था भाई, यहाँ पर शानदार नज़ारा। हम अभी चाय पी रही है, कुबलाना कह रही है अम्मा है। बुलाना देखो पूरा पंडितों का मतलब एक पवित्र माना जाता है, पवित्र माना जाता है। पंडितों को बुला के उनको पूजा पाठ करवा के एक खिचड़ी खिलाने का हुआ है पहाड़ों में हमारा, मतलब के रिवाज ताकि खुश रहें और जो भी उनके वो देवताओं की भी पूजा हो जाती है। चलो पंडित जी की भी पूजा हो जाती है। चलो अच्छी बात है। तो अभी फिलहाल पूजा हो चुकी है हमारी और पूरा खाना ना खा रहे हैं, आप देख सकते हो भूख लगी थी। और ये भासु मेरे साथ है, भासु को भूख लग गई ज़्यादा। और ये मम्मी ने यहाँ पर दलिया बनाया नमक वाला, तो चलिए खाते हैं और फिर आएगा भासु। ट्यूशन में पढ़ाई लड़ाई कम करता है ना, ना इधर देखना पढ़ाई कम करता है ना, ना तो क्यों नहीं पढ़ता फिर, पढ़ाई भी करता है ठीक है। खाने चक्कर से भेज दिया है, खाने के चक्कर से क्या घर को भेज दिया। अच्छा खाने के चक्कर से घर को भेज दिया, देखो ट्यूशन छोड़ के आ रखा है और खाने के चक्कर से इसे भेज। तो फैन ले गई, मैं खा रहा हूँ रिखू यानी कि गन्ना और ये पूरा अच्छा लग रहा डिजाइन। एक तोड़ देता हूँ फिर, तो गन्ना खा रहा हूँ मैं, देखते हैं काफ़ी टेस्टी होता है भी। और पूरे जड़ से मैंने तोड़ दिया है और देख सकते हो, तो अभी काफ़ी मज़ा आएगा इसे खाने में गन्ना। तो अभी चाची ने पूरा प्याज भी लगा रखा है और ये आगे कागजी नींबू का पेड़ है और ये तिमिल का पेड़, तिमिल का पेड़ भी काफ़ी अच्छा होता है या इसमें पत्ते भी काम आते हैं इसके पूजा सामग्री रखने के लिए, अन्य बनाने के लिए। और गाय भैंसों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है इनको खिलाने के लिए। चलिए टूट नहीं रहा है, चलो मैं कर रहा हूँ तोड़ने का बस। और ये इधर से मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा, ये देख सकते हैं गाइस दिस स्टाइल में। पहले दोस्तों मैं तोड़ चुका हूँ रिखू गन्ना, अब इसे खाएंगे अच्छे से। और ये छिक्कल काफ़ी इसके टाइट होते हैं, तोड़ने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और आपने उसे खाया होगा गन्ने का जूस, और आपको रियल रियल जूस अगर रियल खाना है तो दांतों से ही तोड़कर खाना पड़ेगा अपने हाथ से। तो काफ़ी मीठा भी होता है शुरू शुरू में, जो है काफ़ी मीठा होता है नीचे साइड और ऊपर ऊपर थोड़ा 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 मीठा कम होने लगता है इधर साइड को। फाइनली गाइस मेरे हाथ में है रिखू और मैं पूरा से गन्ना मैं तोड़ के दराती से पूरा काट लिया है, काफ़ी टेस्टी भी है और मीठा भी हो रहा है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है मीठा भी हो रहा है। और ये काफ़ी लाभदायक भी होता है सेहत के लिए भी और बहुत चीज़ों के लिए भी, रोगों के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। तो मेरे साथ कुत्ता भी खा रहा मेरा ये रिखू, मतलब कि इस गन्ने को कुत्ता भी खा रहा है। देखो दोस्तों
इसने मेरे को खाना देखा तो अपना भी खाना स्टार्ट कर रहा, काफी समझदार है ये भी। भासु भी है, भासु भी रिक्कू खा रहा है। रिक्कू कैसा हो रहा है भासु, गन्ना कैसा हो रहा? अच्छा अच्छा हो रहा। कृष्णा भी है, कृष्णा भी खा रहा। कैसा हो रहा कृष्णा? मस्त हो रहा है। मस्त हो रहा, चलो। नंदू बहुत शैतान हो रहा। ये हमारी दादी है और अपर जमान में अमा माहिर भाई है। अमा आज आज मात्र बूढ़ भाई ने बुढ़ापा। तो अभी हम जा रहे हैं सिलेक्चोरा कुछ काम से, थोड़ा दूध का कुछ सामान लाना है या और कुछ खाने पीने का कुछ सामान लेके आना है। और मेरे साथ है भास्कर और कृष्णा। चलिए, कल हमने बर्फ की वीडियो डाली थी, कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अच्छा लगा होता तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब और शेयर करना। और लाइक करना। और अच्छा लगा होगी वीडियो, लाइक कर या सब्सक्राइब कर या अच्छी होगी तो वीडियो। तो अभी कहां को बता आप कहां को है? हम सिंचूर को जा रहे हैं। हम मंदिर में पहुंच गए हैं। अभी ये सिंचूर से ड्रम लाएंगे, ड्रम फिर घर ले जाएंगे, फिर घर जाएंगे, घर जाके रिक्कू खाऊंगा। रिक्कू अच्छा, गन्ना कैसा हुआ था? गन्ना काफी टेस्टी हुआ था गाइस, मैंने भी देखा, काफी अच्छा हुआ था। अभी भी यहाँ बर्फ है गाइस, देखो देखो देखो। तुम अभी बर्फ दिखा रहा, छोटी छोटी यहाँ पर दिख रही है, अभी देख सकते हैं। अभी नीचे काफी यहाँ पर थोड़ा धूप नहीं थी तो इसलिए यहाँ पर बर्फ रुकी है अभी। क्यों भासु? अब कृष्णा, कृष्णा कहेगा, कृष्णा अब बताओ कैसा लगा परसों बर्फ? अच्छा, मजा आ गया यार बर्फ में, और क्या नहीं, मजा आया। और अभी बर्फ अब बंद हो गई है, पिघल गई है। बेटा जोर है कहीं आने में, मोहल्ला की कॉल। आपको जो अच्छा लगता है? अरे बर मस्त नारा मेरी ढाई तोला नथली बना दे, अरे बर मस्त नारा मेरी ढाई तोला नथली बना दे, को मैना अरे लगानो कदीना, अरे जल्दी बना दे, जल्दी बना दे, यहाँ देखो ना, जल्दी बना दे, यहाँ देखो एक पटंदी दीपटा बराता, यहाँ देखो दीपटा, यहाँ देखो ना दीपटी चार पटो सोरा सा, जल्दी बना दे ताई तो लेन थुली बना दे, ढोल दमू चलूचा। चलो बहुत अच्छा, शाबाश। तो कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा अपना गाना सुना यहाँ पर, जो पहाड़ी लैंग्वेज है, कुमानी लैंग्वेज है। अब सामने से दीपू भी आ रहा है, दीपक भी आ रहा है, उसका भी कुछ काम है, वो भी आ रहा है। चंटो हो रहा आजकल, भासु की पिटाई करनी पड़ती है। भासु आज पेड़ में चढ़ रहा, आप देखो। और यहाँ पर दीपक भी आ चुका है मेरे साथ। हेलो दीपक, कहाँ को जा रहा? दुकान। चलो दुकान जा रहे हैं ये भी, और ये भी काफ़ी अच्छा है, और ये तीनों काफ़ी अच्छे हैं, और ये काफ़ी छोटा काफी शैतान है। देखो ये अब ऐसे ऐसे काम करता है। चलो झूम झूम झूम। इसे कल कैसा लगा बर्फ जब थी? कल ठीक लगा, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। और जो निधि लोग ने ओ पुतला बनाया था एक इंसान का, मैं हूं पुतला, भास्कर ने तोड़ दिया। शाबाश। तो गाइस बर्फ पूरी पिघल चुकी है, थोड़ा सा इधर साइड को बची है अभी, इधर साइड को। तो ये भास्कर बहुत शैतानी कर रहा, और ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बच रही है। तो ये काफी मौसम भी अच्छा है, यहाँ से हिमालय का व्यू काफी शानदार दिख रहा है, आप देख सकते हो सामने। थोड़ा सा यहाँ पर बादल लगे नहीं तो काफी अच्छा लग रहा मौसम। दोस्तों हम आ चुके हैं घर, पूरा सा सामान लेके पूरा घर आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शुरू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।